नमस्कार, मैं हृदय धारवार। इस वक्त हम खड़े विधानसभा परिसर के अंदर, यहाँ पर हमारे साथ हैं शैलेंद्र जैन जो सागर विधायक हैं, चार बार लगातार चुनाव जीत के आए हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार क्या क्या कठिनाई चुनाव में इनको रही और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। जी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश टोटी टीवी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। चुनाव हमेशा से एक चुनौती होती है, हमेशा की तरह चुनौतीपूर्ण मैंने उस ढंग से लिया। इस समय ये विशेष रूप से ये वाला चुनाव जो था षोडश विधानसभा का, तो ये निश्चित रूप से परेशान करने वाला था, क्योंकि मेरे ही ब्लड रिलेशन में, मेरे ही खून के रिश्ते में मेरे सगे भाई, उनकी धर्मपत्नी को कांग्रेस पार्टी ने कुटिलतापूर्वक टिकट दिया। उन्होंने भी स्वीकार करके जो भी नैतिक मूल्य हैं उनका पालन नहीं किया, तो एक अप्रिय स्थिति बनी, एक ऐसी स्थिति जिसको टाला जा सकता था। तो ये चुनाव, हालांकि हर चुनाव तनावपूर्ण होता ही है, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत तनाव से भरा हुआ था। चुनौती के बाद भी आप चुनाव जीते, तो जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? भाई, जीत का श्रेय तो हमारे पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को है, जिनकी अथक मेहनत और परिश्रम से ये चुनाव हम जीते हैं, और सागर की जनता के विश्वास के प्रति भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, जो मतों के रूप में परिलक्षित हुआ और मुझे एक सम्मानजनक जीत का सेहरा मेरे सर पे बंधा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सागर की जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि चौथी बार आप चुनाव जीता है, चार बार से लगातार आपने क्षेत्र में काम किया है, विकास पर जनता ने मोहर लगाई है, जैसे कौन कौन से विकास के कार्य थे जिनको प्राथमिकता में रखते हैं? लेकिन विशेष रूप से जिन कामों को सागर की जनता ने विशेष रूप से पसंद किया, वो हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर था जो तालाब के ऊपर बनाया था, उससे यातायात बहुत ही सुगम हुआ है, और वो निश्चित रूप से मुझे लगता है मध्य प्रदेश का अपनी तरह का अकेला ऐसा कार्य होगा। सागर में खेल सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से हमने स्टेडियम का पुनरुद्धार किया, नया स्टेडियम बनाया, खेल परिसर बनाए, एस्ट्रोटर्फ से लेके सिंथेटिक ट्रैक, जिनकी वर्षों से आवश्यकता थी, सपना था, वो पूर्ण हुआ है इस कालखंड में। मतलब जो जो कार्य हमारे कई वर्षों से पेंडिंग थे, मतलब मैं अगर पिछले 40-50 साल के लोगों के एजेंडा पे निगाह डालूं, तो लोगों के एजेंडे ही होता था हर 5 वर्ष में कि हमें ये काम करना है, होते नहीं थे। इस बार हमने उस सारे विषयों को ख़त्म कर डाला है, और अब हम नए सिरे से महानगर बनने की दिशा में जो कार्य आवश्यक है, दिशा में आगे बढ़ेंगे। रोजगार एक इम्पोर्टेंट विषय हमेशा रहता है, रोजगार दृष्टि में अगले 5 साल में क्या क्या आप काम करने वाले हैं? सर, प्रथम तो पिछले 5 साल में हमने क्या किया वो ज़रूर बता दूं। हमने फर्नीचर क्लस्टर सैंक्शन करा लिया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से, और सागर के लिए रोजगार सृजन की दृष्टि से एक वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और आगे आने वाले 2 वर्षों में लगभग 5,000 से 10,000 लोगों को रोजगार, नया रोजगार मिलेगा, और फर्नीचर क्लस्टर के रूप में सागर की अपनी एक पहचान बनेगी, और सागर निश्चित रूप से फर्नीचर का एक डेस्टिनेशन बन जाएगा। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से हम रोज़गार के और भी आयाम खोलने वाले हैं, और इस दिशा में हमारी बहुत गंभीर प्रयत्न किए जाएंगे कि सागर के युवाओं को खास तौर से हम रोज़गार सुलभ और सहज उपलब्ध करा पाए। आगामी समय में राजनीति भविष्य के तौर पर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, अपन कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वर्तमान में जो चुनौती है, मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं वर्तमान में जीता हूँ, और भविष्य तो हमने देखा नहीं है, जो हमारा वर्तमान है वही भविष्य का निर्धारण करने वाला होता है। मैं समझता हूँ कि अगर वर्तमान ठीक ढंग से आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य भी अच्छा ही होगा। इसमें बहुत अच्छी बात शैलेंद्र जैन ने कही कि जो भी है भविष्य के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वर्तमान में आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं, वही भविष्य बन जाता है, इसलिए हमको हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए। प्रदेश टुडे के लिए हृदय धारवा, भोपाल। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।